हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेसन नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ सेल में न्यूक्लियस तक पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना है सेल ऑर्गेनल्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बेसिकली सेल के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं तो हम उन टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर द लार्ज सेल ऑर्गेनल्स व्हिच मे हैव पिगमेंट्स टू प्रोवाइड कलर टू द सेल। इससे हमें क्या पता चला, जो जितने भी कलर्स होते हैं प्लांट्स में, ग्रीन कलर होता है मेनली, और उसके अलावा जो फ्रूट्स के कलर होते हैं, वेजिटेबल के कलर होते हैं, फ्लावर्स के कलर होते हैं, ये सब उसे प्लास्टिड से मिलता है। दीज आर द लार्ज सेल व्हिच मे हैव पिगमेंट्स टू प्रोवाइड कलर टू द सेल। अब जो ग्रीन कलर देता है, जो लीव्स, स्टेम और मतलब बाकी जगहों को जो ग्रीन कलर देता है, वो तो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड्स द ग्रीन कलर और यही क्लोरोप्लास्ट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स बाय सनलाइट। मतलब सनलाइट और वाटर वगैरह का यूज करके जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। मतलब सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर देता है, तो सिर्फ वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, मतलब जो ग्रीन कलर के हैं, वही फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। उसके बाद प्लास्टिड्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट कलर्स, मतलब ग्रीन के अलावा भी कलर्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह के अलग अलग कलर होते हैं, वेजिटेबल्स के अलग कलर होते हैं, फ्लावर्स बहुत सारी वैरायटी के कलर्स होते हैं। अब इन सबको कलर देता है क्रोमोप्लास्ट, वो हमने क्या था, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर देता है, और ये है क्रोमोप्लास्ट जो वेरियस अदर कलर्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट कलर्स देता है, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद अगला है द प्लास्टिड्स यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल एक्सेट्रा आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। मतलब वो प्लास्टिड्स जो एज अ, मतलब जो कोई कलर प्रोवाइड नहीं करते, वो एज अ स्पेस काम करते हैं टू स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन और ऑयल एसेट्रा आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। मतलब हमने तीन तरीके के प्लास्टिड्स पढ़े, एक हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट, एक हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट जो वेरियस अलग कलर प्रोवाइड करता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता लेकिन वो ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल और अलग न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को स्टोर करने के लिए। ये था सेल ऑर्गेनल्स का फर्स्ट, प्लास्टिड्स। सेकंड हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये रॉड शेप सेल्स होते हैं। मतलब रॉड शेप कैसे हो गए, ऐसे रॉड की शेप सेल्स होते हैं, और स्फेरिकल, या तो ऐसे होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं। Which are present in large number, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक सेल में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस लिए जरूरी होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब जो सेल के अंदर जो एयर गैसेज वगैरह का जो एक्सचेंज होता है, कुछ गैसेज अंदर आती हैं, रेस्पिरेशन तो सेल्स में भी होता है, तो कुछ गैसेस अंदर आती हैं और कुछ गैसेस बाहर जाती हैं, तो ये जो सेल्युलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये होता है थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अलावा जो ये सेल्युलर रेस्पिरेशन करता है, इसके अलावा ये जनरेशन ऑफ एनर्जी में भी यूज होता है। मतलब जो एनर्जी बनती है किसी भी सेल में, वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, और ये एनर्जी यूज होती है वेरियस लाइफ एक्टिविटीज के अंदर। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज वो करता है सेल, वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है जो अलग अलग चैनल्स हो गए, अलग अलग पाथवेज प्रोवाइड करता है। चैनल्स मतलब यहाँ पे चैनल्स का मतलब है अलग अलग पाथवे प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन अ सेल। मतलब एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क
जो अलग अलग रास्ते अलग अलग जरिए प्रोवाइड करता है मटेरियल्स को, अलग अलग मटेरियल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोलते हैं, एंडो का ई और रेटिकुलम का आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ई और रेटिकुलम का आर। तो अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी एज द नेम सजेस्ट इट हैज रफ अपीयरेंस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका रफ अपीयरेंस होता है ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसमें राइबोसोम्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ते हैं, राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनल्स का ही पार्ट है, अभी उसको आगे पढ़ेंगे। रफ ईयर में काफी सारे राइबोसोम्स होते हैं ऑन इट्स सरफेस। अब उसके सरफेस पे काफी सारे राइबोसोम्स होने के कारण वो रफ होता है। क्यों रफ होता है वो? क्योंकि अगर मतलब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि वाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ रफ सरफेस, तो हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस इट हैज अ रफ अपीयरेंस। और इसका रोल क्या होता है? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में इसका एक वाइटल रोल होता है। सेकेंड टाइप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट उसका उल्टा हो गया, इट डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स अटैच्ड। उसमें क्या होता था कि राइबोसोम्स होते थे, अब राइबोसोम्स होते थे तो वो रफ सरफेस होता था, अब इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते इसलिए इसका सरफेस रफ नहीं होता, ये स्मूथ होता है, ड्यू टू विच इट हैज स्मूथ अपीयरेंस। इस पे कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो इसकी क्या है? स्मूथ अपीयरेंस। और ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ फैट्स, वो किस में हेल्प करता था? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में, ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ फैट्स। डी पार्ट है हमारे पास गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। अब गॉल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हमने अच्छा अभी पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, अब वो जो चीजें ट्रांसफर हो रही है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होंगी ना, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं जो गेहूं ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और फिर ग्रेनरी स्टोरेज वगैरह में जाके स्टोर हो जाते हैं। वैसे ही सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो तो कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्टोरेज का काम है वो करता है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक मतलब बैग लाइक, सैक का मतलब हो गया बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टैक अब वन अबव दी अदर, मतलब एक के ऊपर एक, ये एक फिर उसके ऊपर एक और फिर उसके ऊपर एक और, ऐसे एक के ऊपर ये एक प्रेजेंट होते हैं, और दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करके गॉल्गी कॉम्प्लेक्स के पास लाया, तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? पैक भी करेगा, जैसे ग्रेनरीज में मान लो कुछ तो होते हैं गेहूं वगैरह जो पैक किया जाता है, और कुछ होता है जो आगे और प्रोसेसिंग के लिए किया, मतलब और प्रोसेस किया जाता है, मतलब प्रोसेस करना मतलब उसको उसमें कुछ चेंजेस करना सो दैट इट मे बिकम यूजफुल, तो उसको प्रोसेस भी करता है और फिर उसकी पैकेजिंग भी करता है। कौन? गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। कौन से मटेरियल्स की? जो सेल प्रोड्यूस करता है उसके बाद, मतलब गॉल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको समझ आ गया होगा कनेक्टेड है थोड़े। उसके बाद आ जाता है वैक्यूल। अब वैक्यूल is it appears as an empty space in the cytoplasm। ये कैसा लगता है? ये मैं आपको आगे सेल के डायग्राम में दिखाऊंगा, लेकिन वैसे अभी रफली बता देता हूँ। जैसे एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऐसे छोटे छोटे से ये गैप्स होते हैं, ये होते हैं वैक्यूल्स। अभी ऐसा लगता है कि ये एम्प्टी स्पेसेस हैं सेल में इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन ये क्या करते हैं? ये लार्ज होते हैं प्लांट सेल्स में और स्टोर करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो एक्सेस का जो वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे स्टोर करते हैं। तो वैक्यूल्स का काम भी क्या होता है? एक्सेस चीजों को स्टोर करना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अब राइबोसोम्स आ जाते हैं। राइबोसोम्स हमने अभी लास्ट पढ़े थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर टाइनी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और रफ ईआर के सरफेस पे भी होते हैं। अब रफ ईआर का क्या फंक्शन था? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो जो राइबोसोम्स हैं उनका भी फंक्शन यही होता है कि रफ ईआर के ऊपर या साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और लास्ट पार्ट आता है इसका सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला क्या होता है? सीलिया होता है मान लो ये एक पैरामीशियम है। अब पैरामीशियम के ऊपर काफी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
ये काफी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया। और फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला मान लो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकेरिया। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये यूकेरिया और ये पैरामीशियम। तो पैरामीशियम पे तो होता है सीलिया, जैसे शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यूकेरिया में होता है फ्लैगलम, मतलब जो एक बड़ा सा ऐसे होता है। इसमें काफी सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं, होते क्या है। दीज आर स्मॉल एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन क्या होगी? यही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर की जो कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। ऑफ सम सेल्स, जरूरी नहीं है हर सेल में, अमीबा में नहीं होते, पैरामीशियम में होते हैं, यूग्लिना में होते हैं। और इनका यूज क्या होता है? दे हेल्प इन लोकोमोशन मूवमेंट में। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सेल। तो ये मूवमेंट ऑफ सेल में हेल्प करते हैं, और कलेक्शन ऑफ फूड में। जब भी कोई फूड पार्टिकल के पास जाते हैं, ये दोनों चीजें जब भी किसी फूड पार्टिकल के पास जाएंगी, तो ये या तो ये फ्लैजिला या फिर ये सीलिया उस फूड पार्टिकल को अपनी तरफ पकड़ लेंगी, ऐसे अटका लेंगी, और फिर ये अंदर स्वैलो कर लेंगी, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर स्वैलो कर लेंगी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो सीलिया और फ्लैजिला में इन्होंने हेल्प किया फूड पार्टिकल लेने, कलेक्शन ऑफ फूड। अब ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये वर्क टुगेदर, ये एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म ऑल द बेसिक डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। मतलब सेल का जो काम है वो मेनली ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलके करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनिज्म। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि कैसे सेल से, मतलब सेल से कौन सी चीजें बनती हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि मतलब हमारी बॉडी में सेल्स हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि सारे फंक्शन ऐसे बेसिकली सेल्स ही कर रहे हैं। सेल्स का एक ग्रुप होता है, फिर वो जो ग्रुप है उसका एक और ग्रुप होता है, उसका एक और ग्रुप होता है, ऐसे करते करते ग्रुप्स ऑफ सेल बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक ब्रिक है। अब ब्रिक्स को, ईंटों को जब हम जोड़ते रहते हैं तो क्या बनता है? वॉल बनता है। अब हम उसी को इससे रिलेट करेंगे, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एज अ ब्रिक काम करते हैं। अब जब हम बहुत सारी ब्रिक्स को मिला देते हैं तो क्या बनता है? एक वॉल बन जाती है। अब वो वॉल है टिश्यू, उस वॉल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ये मैं आपको एक बेसिकली रियल लाइफ का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि ब्रिक्स है उनको जोड़ा, वॉल बन जाएगी। अब काफी सारी वॉल्स मिल जाए तो क्या बन जाता है? एक घर बन जाता है। उस घर को हमने क्या कह दिया? ऑर्गन कह दिया। और अब काफी सारे घर मिल जाए तो क्या हो जाता है? एक सोसाइटी बन जाती है। उस सोसाइटी को हमने ऑर्गन सिस्टम बोल दिया। और अब उस सोसाइटी में वेरियस अलग अलग काम होते हैं, और इन कामों से हमने उसे ऑर्गेनिज्म बोल दिया। तो यही होता है सेल है। अब काफी सारे सेल कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज, अब बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। अब ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, और अगर ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सेल से टिश्यू, टिश्यूज, काफी सारे टिश्यूज मिला के एक ऑर्गन बन गया। मान लो हमारा हार्ट बन गया, या हमारा स्टमक बन गया, लीवर बन गया, किडनी बन गया, ये सारे टिश्यूज को मिला के ऑर्गन्स बन गए। और काफी सारे ऑर्गन्स को मिला के, मतलब अगर हम स्टमक को मिला दें और पैनक्रियाज, लीवर, इन सबको मिला दें, तो हमारा एक सिस्टम बन जाएगा जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम हार्ट और लंग्स को एक साथ लें तो बन जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसे काफी अलग अलग सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में ड्यू टू वेरियस ऑर्गन्स। और अब इन सारे सिस्टम्स की वजह से हम एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को कह सकते हैं। ड्यू टू ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम्स वी बिकम एन ऑर्गेनिज्म। अब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ। क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, जो यूनिसेलुलर है उनकी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनमें तो सिर्फ एक सेल होता है, एक सेल ही एक्सक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, सारे प्रोसेस एक ही सेल करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? काफी सारे सेल्स होते हैं, और हर सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। मतलब वो उनके पास कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन होती है, कुछ ऐसी स्पेशल चीज होती है जिससे वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर सकते हैं। अब काफी सारे सेल परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब जब ऐसे काफी सारे सेल्स मिलके, एक ही तरह के काफी सारे सेल्स मिल जाते हैं, तो वो सारे फंक्शंस को एक साथ करते हैं और वो बन जाता है टिश्यू। सेल से टिश्यू बन जाता है। अब एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज, अब ये अलग अलग टिश्यूज मिल जाते हैं, ऐसे काफी सारे टिश्यूज ये मिल गए,
फिर ऐसे काफी सारे ये मिलते हैं, ये सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और उस ऑर्गन का एक स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे हर्ट है, उसका काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। लंग्स का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अब ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ही नंबर ऑफ सेल्स मिलके क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। मतलब हर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हर्ट और लंग्स को मिला देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा। स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर को मिला देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। किडनी को मिला देते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाएगा। तो ये हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे होता है। सेल्स बेसिक चीजें होती हैं, उनसे टिश्यूज, उनसे ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म। अब लास्ट हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब प्लांट का सेल अलग होता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में इतना डिफरेंस होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेल्स में डिफरेंस होता है, हमारे सेल्स में डिफरेंस होने की वजह से हमारे बीच में इतना डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आप प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये है बेसिकली प्लांट सेल, जिसमें भी दो मेम्ब्रेन्स हो, देखो दो मेम्ब्रेन्स है इसमें, एक ये है एक ये है। तो जिसमें भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो होता है प्लांट सेल, और जिसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन हो वो होता है एनिमल सेल। अब इसमें दो मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि ये जो दूसरी मेम्ब्रेन है, जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये होती है सेल वॉल। मैंने आपको बताया था सेल वॉल का क्या यूज होता है, हम तो अपने आप को मूव करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट से, लेकिन प्लांट्स नहीं कर सकते। तो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल्स के। अब हम इसके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल्स हैव अ फिक्स्ड शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सॉरी, प्लांट सेल्स के पास एक फिक्स्ड शेप होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए इनकी एक फिक्स्ड शेप है। जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है? सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम अपनी सेल्स की जो शेप वगैरह है वो चेंज हो जाती है। सेकंड पॉइंट यही है, सेल वॉल इज एब्सेंट, सॉरी, प्लांट सेल्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। थर्ड चीज हो गई, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, तभी तो उनमें इतने अलग अलग कलर आते हैं, ग्रीन कलर, रेड, व्हाइट, मतलब बहुत तरीके के कलर्स, लगभग सारे तरीके के कलर्स होते हैं। फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लास्टिड्स। लेकिन ह्यूमंस में या फिर अदर एनिमल्स जितने भी होते हैं उनमें प्लास्टिड्स नहीं होते, उनके भी अलग अलग कलर होते हैं, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्लास्टिड्स। और लास्ट हमारे पास हो गया, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें जनरली तो एब्सेंट होता है, उसमें वैक्यूल्स होते नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती वैक्यूल्स की, और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। देखिए प्लांट सेल में तो एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, ये जो पूरा बीच में हम देख रहे हैं ये वैक्यूल है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स कहाँ है? ये रहा एक छोटा सा, ये रहा एक छोटा सा, ये ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स रखे हैं। और ये भी जरूरी नहीं है हर सेल में हो या ना, कभी कभी होते हैं कभी कभी नहीं होते, और इनका होना भी ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ती। प्लांट जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स का काम क्या होता है? स्टोरेज करना। अब हमें क्या होता है, हमारी इतनी एनर्जी वगैरह यूज होती है एनिमल्स की लोकोमोशन में और अलग अलग काम करने में, एनर्जी जितनी भी होती है वो सारी यूज हो जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी बचती नहीं, तो हमें इसकी ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी एक डिफरेंस आप ये देखना, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कुछ सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और कहीं कहीं पेरिफेरी में होता है, तो ये एग्जांपल है एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे है, जबकि जो प्लांट सेल में वो भी लगभग सेंटर पे है लेकिन एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है, थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ, मतलब थोड़ा सा कॉर्नर्स की तरफ। तो ये हमने बेसिकली डिफरेंस पढ़ लिया एनिमल सेल में प्लांट सेल में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ब्रीफली, प्लांट सेल्स की फिक्स शेप होती है ड्यू टू सेल वॉल, इसकी फिक्स शेप नहीं होती ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट होती है यहाँ एब्सेंट होती है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जनरली एब्सेंट होते हैं या फिर स्मॉल वैक्यूल। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसमें जितना भी थ्योरेटिकल टॉपिक था हम पढ़ चुके हैं। अब अगली क्लास में हम इसके बुक के क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, जिसके बाहर और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनके बाहर से क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत कम है।